ये है दोस्तों होमस्टे से पीछे का व्यू। देख रहा हूँ तो मन कर रहा है यहीं रुक जाओ। अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है यार सामने। हर्षिल वैली उत्तराखंड की सबसे सुंदर वैलीज में से एक। तो दोस्तों आइए आपको भी ले जाते हैं हर्षिल के वर्चुअल टूर पर। वो कहते हैं ना जिन मंजिलों पर पहुंचना लिखा हो तो उनके रास्तों की फिक्र नहीं करते। तो ऐसे बेफिक्री में चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं हर्षिल के बहुत करीब। यहाँ से हर्षिल सिर्फ रह गया है 6 से 7 किलोमीटर। तो व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा। पीस है यार, यहाँ कुछ भी बोलना मुझे यहाँ पीस बहुत लगता है। पीसफुल प्लेस है। सामने के व्यूज वाह, क्या बात है यार भाई। ये कैसी जगह ना, मैं जहाँ बार बार आने का मन करता है। एवरग्रीन यार, अपने अपने आने बोल मिले यहाँ ना। तो दोस्तों आखिर हम पहुंच ही चुके हैं हर्षिल, मतलब मेन मार्केट अभी तो नहीं पहुंचे लेकिन ऊपर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये हर्षिल सामने, ये विलेज पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर ये है। और वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है गाँव है भगोरी विलेज। मैंने पहले व्लॉग में आप देखा होगा हम इधर ही घूम रहे थे उस दिन, भगोरी विलेज तक गए थे। इस सामने बर्फ के पहाड़, बहुत ही सुंदर नजारा। और ये है लामा टॉप क्यारकोटी सिटी पीछे, और इसके ठीक पीछे आपको मिलेगा क्यारकोटी के बुग्याल का ट्रैक। और ये है मेरे 3 सहयात्री, आ जाइए भाई सब। कौन है भाई? अब निकलते हैं, खाना भी भूख लगी बहुत ज्यादा। यहाँ से जाएंगे हम नीचे। हर्षिल तक पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश और हरिद्वार से टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। ये देखो हर्षिल से व्यूज स्नो के, वाह। सामने ये और ये ऊपर। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बहुत तेज भूख लगी है, समझ जा रहा लंच है क्या है, ये हाफ लंच है हाफ डिनर तो नहीं कहीं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? लंच ही होगा, नाइट का और दिन का भी। कहाँ पे है? कोई सेंस है इस बात का? लंच का कुछ पता है कहाँ पे होटल? आगे इनको बोला 200 मीटर दूर। 200 मीटर? हाँ चलो ठीक है, बहुत है। हर्षिल पहुँचते हमने सबसे पहला काम किया रूम ढूंढने का। तो हम निकल पड़े भाई के साथ बाइक में भगोरी गांव की तरफ, क्योंकि वहीं था भाई का होम स्टे। तो पहले हम देख लेते कैसा है, उसके बाद हमें डिसाइड करना था लेना है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना, रहने का ठिकाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम आ चुके हैं भगोरी विलेज में। हेरिटेज टाइप में है? हाँ? हेरिटेज में क्या करना, ऐसा करें? नहीं चार को आ जाएंगे, कंपेरिजन तू कर ले, तू उधर का भी बता दे मुझे। इधर सही लग रहा है, अच्छा है इधर, अच्छा तो कर ले, तेरी बुक कर ले फिर। ये पीछे खेत पे, अच्छा खेत मतलब ज्यादा। होमस्टे का नाम क्या है वैसे भैया? ये हुआ अफन वैली। अफन वैली होमस्टे। व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं यहां से। मैं भाई कह रहे बुलेट के साथ फोटो ले लो मेरी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गरतांग गली, और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, बड़ा मस्त व्यू है यहाँ के। थोड़ा सा तबीयत ढीली है तो इसलिए हल्के हल्के बात कर रहा हूँ, नहीं तो एक्साइटमेंट आपको पता ही, बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। हम लोग हर्षिल पहुँच गए हैं और हमने यहाँ पे भगोरी में एक रिजॉर्ट में कमरा भी कर दिया है अफन वैली, और काफ़ी अच्छा हम रिजॉर्ट में रात को फॉन फायर सब कुछ देखने को है अभी। यस, और अभी तो गरतांग गली की तरफ जा रहे हैं। इस बार क्या बात? अरे गिटार यार, असल थोड़ा जरा रेस्ट ले रहा है। कोई नहीं, सिंगर तो हूँ मैं।
कोई नहीं है वहाँ पे, ढोलक मिल जाएगी वहाँ, क्या ढोलक है वहाँ पे, तबला भी है। मेरे मुड़ैया मामा मेरे, मजा आया। ये अब हम लोग जा रहे हैं गरतांग गली की तरफ, व्यूज इसके बाद ज्यादा तगड़े व्यू हैं। कि भाई क्या कह रहे हो, सही कह रहा हूँ भाई, बेहतरीन व्यूज आएंगे। ये आ चुका है सामने धराली विलेज, सामने। अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है यार सामने, ये है ना व्यूज भाई। ये हम एंटर हो रहे हैं लद्दाख ऑफ उत्तराखंड में, नेलांग वैली की साइड। देखो गरतांग गली वैसे मुश्किल ही है ऐसा कह रहे हैं दोस्त, लेट हो चुकी है। ये है वो बंदा जो मना कर रहा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। देखिए सामने के व्यूज, गोमुख नहीं कराना जी आपने, जा रहा हूं दो बार गोमुख चार के। गोमुख तो तब गया जब 12th में था मैं, वो बच्चे थे मैं रात को सुबह चला गोमुख, बेटे चलते रहे आज से 10 साल पहले की बात है। और ये देखो फिर से व्यूज दोस्तों, एक चीज दिखाता हूं यहां पर, देखो ये पूरा पेड़ से दिखाओ, इस पेड़ में बिजली गिरी हुई है और बिल्कुल अंदर तक खोखला कर दिया पेड़ को और पेड़ पूरा गिर चुका है। हम उससे यहाँ से वापस जा रहे हैं। यह है दोस्तों होम स्टे से बाहर का व्यू, स्नो स्नो पीछे के इलाका में दिखाता हूँ, कल धुंध में दिख नहीं जाता। ये है दोस्तों होम स्टे से पीछे का व्यू, कल धुंध में दिख नहीं जाता, देखो कितनी प्यारी प्यारी स्नो पड़ रखी है सामने। और ये देख सकते हैं नज़ारे आप हर्षिल के, इस टाइम हम हैं भगोरी विलेज में और सुबह के बच्चों के हैं 9। इन नज़ारों के साथ नाश्ता हो रहा है और नाश्ता करने के बाद निकलते हैं हम उत्तरकाशी को, क्योंकि जाना भी है। एक बंदा गायब दिख रहा है यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गया है। तो अब हम जा रहे हैं वापस और ये लगे हुए हैं फोटो सेशन में। और दिखा दो आपको नज़ारे यहाँ के, एक तो ये देखो बड़ा प्यारा लग रहा है और ये सामने ये होम स्टे अफन वैली, ये है गेट। और ये है भगोरी विलेज, सामने के नज़ारे थोड़े डर के भी हैं, क्या नज़ारे हैं, नज़ारों की बात अलग है। इस सामने मैंग भाई है, बहुत सुकून बहुत पीसफुल प्लेस है। कभी भी आए आप उत्तरकाशी तो यहाँ ज़रूर आए, 70 किलोमीटर पड़ता है उत्तरकाशी से। मैंग भाई पीछे जाते हुए क्या क्या देख रहे हैं, ये सेब के बगीचे देखे आप, बड़े ही प्यारे व्यूज देखो यार यहाँ के, अगर आप यहाँ आएंगे तो व्यूज में खोके ही माने। ओह माय गॉड एक और व्यू आ गया, दिल खुश नहीं है, मन तो कर रहा था यही रुक जाए आज। ये वाला एक प्लॉट जरूर लेना पड़ेगा मैंग भाई, ये भी क्या होम स्टे, हाँ ये वाला भी अच्छा है, होम स्टे ही होम स्टे है यहाँ पे। ये पूरा एंशिएंट विलेज ये है अपना मैंग भाई पीछे सारा, ये ट्राइबल विलेज है भगोरी, हाँ ट्राइबल विलेज चाहिए। यह दोस्तों बुद्धा टेम्पल, टेम्पल से सामने व्यूज। और ये है मेरी पूरी टीम, बहुत सारे दिख ले दोस्तों। एक और नजारा, यह गेट भगोरी विलेज का और श्रेष्ठ गंगा का राम भगोरी को अवार्ड मिला हुआ है 2019 में, जो हम पिछले ब्लॉग में आए थे तो वो 2020 का है, तो उससे एक साल पहले ही मिल चुका था अवार्ड। और आज मैं कंप्लीट 1.5-2 साल बाद आ रहा हूँ वापस, लेकिन वही पीस वही रिलीफ है यहाँ पे, बड़ी शांत सी जगह है। और देवदार के पेड़ दिखते हैं वाकई में बड़े प्यार लगते हैं, और साथ में स्नो दिखती तो और ही बहुत प्यारा है।
ये रास्ता बगोरी विलेज से हर्षिल की तरफ, और नज़ारे जब भी देख रहा हूँ तो मन कर रहा है यहीं रुक जाओ, बट जाना तो है, जाना तो पड़ेगा ही। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ आके, आज जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, बट जाना तो है दोस्तों, परमानेंट तो बस नहीं सकते। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इन हसीन वादियों को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें दोस्तों, जरूर करना भाई लोगों अपनी वीडियो समझ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।